सुनेगा तब तुझको समझ आएगा, जहाँ मैं हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ खुद को एक दिन पाएगा। खुदा माफ कर देगा तुझे पर करम ना घूस खाएगा, जो किया था इन हाथों से वही हाथ में आएगा। गुड मॉर्निंग तभी होती है जीवन में जब हम सीरियसली अपनी लाइफ को लेकर जाते हैं। 5 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, उस टाइम पे मैं 15 साल की थी। खुद को जला के किया है सवेरा, खुद को जला के किया है सवेरा, मैं ही मेरे लिए कोई और नाम मेरा, मैं ही टेलीविजन में या शोज में आपको सुनना और देखना एक अलग एक्सपीरियंस है, बट जो सामने आपने आकर और जिस गंभीरता से आपने अपने अपने विचारों को रखा और अपना अपनी अपनी जो थॉट्स हैं शेयर की, आई थिंक हमें काफ़ी आई वुड से वी हैव लॉट ऑफ इंटरनलाइज आफ्टर योर थॉट-प्रोवोकिंग लेक्चर। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि जो आपने कहा और हम उसको आगे तक लेकर जाएं और जो भी हम अपने तरफ से जो भी हम चेंज ला सकते हैं वो हम पूरी तरह से कोशिश करें कि इस तरह की जो एक्ट्स हैं वो ना हो। एक एसिड की छपाक के बाद जिंदगी में छलांग लगाना ना सिर्फ अपने लिए पर हजारों के लिए जीना और एक मिसाल बनना, शायद यही है कॉल ऑफ ड्यूटी, ना सिर्फ एक ऑफिशियल की पर एक इंसान होने की। आपकी इस जर्नी को देख करके आज हमें इतनी उम्मीद मिली है, इतनी होप मिली है जो मैं शायद शब्दों में भी बयान नहीं कर पाऊंगी। मैंने एक प्रॉपर ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स तो प्रिपेयर किया था लेकिन मुझे नहीं लगता दैट डज जस्टिस टू योर लाइफ योर जर्नी, बिकॉज यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ होप करेज डिटर्मिनेशन टू एवरीबडी, मैन विमेन चिल्ड्रन एवरीवन। सो थैंक यू सो मच मैम कि आज आप यहाँ आए, आपने अपना समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से हम सबको इंस्पायर करने के लिए, हम सबको एक बार फिर से याद दिलाने के लिए कि हम जो काम करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो खरीदते हैं उससे कितना कुछ डिफरेंट हो सकता है। हमें हमारा कंडक्ट हमेशा ये सोच के करना चाहिए कि हमारे एक एक्शन से कोई रो सकता है, कोई हंस सकता है, हमारी एक स्माइल से किसी को उम्मीद मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच मैम। सो ऑन बिहाफ ऑफ द 76th बैच ऑफ IRS, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर ब्लेसिंग अस विद योर प्रेजेंस टुडे। थैंक यू सो मच मैम। एक और मैंने लाइन लिखी थी आपकी जर्नी के बारे में पढ़ के, सो अपॉलोजी बिकॉज ये इंग्लिश में है बट आई स्टिल वॉन्ट टू शेयर इट। बट ये है कि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और मेरे घर में भी कोई इंग्लिश नहीं बोलता था तो मुझे कोई हिचक नहीं है। अगर मैं हिंदी बोलती हूँ तो मैं हिंदी बोलती हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप कंफर्टेबल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यस मैम, जस्ट अ फ्यू लाइंस। फर्स्टली मैम इज नॉट एन एसिड अटैक सर्वाइवर, इंस्टेड शी इज अ सिंबल ऑफ ट्रेमेंडस करेज डिटर्मिनेशन रेजिलियंस एंड होप। Acid can and it does impact your face superficially, but it cannot corrode your hopes, your dreams and your ambitions. Indeed, a strong woman stands up for herself, but a stronger woman stands up for everybody else. So thank you so much ma'am for your presence. I would like to invite Srikanth to formally present a memento to you. हमें हूँ जो रोके कभी रुकता नहीं, हमें हूँ मिटाने से जो मिटता नहीं, हमें हूँ
झुकाने से जो झुकता नहीं। हाँ मैं हूँ अभी जो जिंदा है यही। हाँ मैं चला ले अब तू जोर तेरा सन्नाट को जीरे छोड़ तेरा भक्त भी तू भगवान भी तू तू अकेला ना कोई और तेरा पहचान तू खुद को कौन है तू आवाज तुझे क्यों मौन है तू नसीब देता नसीहत तू कर्म तो कर कर्म कौन है तू तोड़ दे सारी बेड़ियां अगर छिले जो तेरी एड़ियां खड़ा हो खुद कर खुद पे की हारने वाली कोई बात नहीं तेरे साथ नहीं हर जाए जमाना सच्चाई यही पीछे को पागे खाई सही तुझे रोके ऐसी राह नहीं आएगा तेरा वक्त भी ये वक्त बड़ा बलवान है तुम ठगो लोगों को मेरे साथ मेरा भगवान है तुम ठगो लोगों को मेरे साथ मेरा भगवान है तू जो है हमें हूँ तू जो है हमें हूँ उसने मेरा चेहरा बदला है दिल नहीं उसने मेरे फेस पे एसिड डाला है मेरे सपनों पे नहीं।